अपर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और षटकर्म के द्वारा उपवास उपासना के द्वारा मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, 10 तौर तरीके हम अपनाते हैं, उनको यदि मुख्य रूप से 4 भागों में समाविष्ट किया जाए तो योग, आयुर्वेद, अलग अलग प्रकार की थेरापियां और एक जीवन शैली के द्वारा जिसको आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्ति या सदवृत्त कहा है, अंग्रेजी में भी आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल, और हेल्दी लाइफस्टाइल में खाली खान पान ही नहीं आता, हेल्दी थॉट्स, हेल्दी इमोशंस, हेल्दी पॉजिटिव क्रिएटिव एक्शन, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःख। हमारे तन पर, हमारे मन पर, चित्त चेतना आत्मा पर हमारे एक एक एक्शन का प्रभाव पड़ता है। दो शब्द बड़े प्रयोग होते हैं लोक व्यवहार में, एक्शन और रिएक्शन। जो कुछ हमारे भीतर चल रहा है वह प्रतिध्वनित तो होता है हमारे शरीर से, इंद्रियों से, मन, विचार, भाव, चेतना से। जो हमारे भीतर चल रहा होता है वही प्रतिध्वनित तो होता है हमारे आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, संबंधों से, आचरण से। इसलिए ये तो थोड़ा रिलैक्सिंग पोज थे, अपने आप को अनुशासित रखने के। मेरे साथ बोलिए अथ योगानुशासनम। अब मैं आपको योग दर्शन के पूरे 4 अध्याय, 4 चैप्टर, 4 पाद है उसके, और मैं खाली योग दर्शन के 4 अध्याय को, 4 वेद, उपनिषद, पूरे षड दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण से लेकर के आयुर्वेद शास्त्र से लेकर के भारतीय जो ज्ञान परंपरा का शास्त्र है वो इतना बड़ा है। मैं कल सालासर बालाजी में पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय स्वामी राम भद्राचार्य जी की सन्निधि में जो 1008 कुंडों का एक अभूतपूर्व यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था, उसमें एक बात कह रहा था, पूरा नियंत्रण हो हमारा। यद्यपि हम किसी की अवहेलना नहीं करते, किसी की निंदा, किसी का तिरस्कार नहीं करते, लेकिन अपने सिद्धांत में, जरा गौर से सुनना इस बात को, स्व सिद्धांत में, अपने धर्म में, अपनी गुरु ऋषि परंपरा में अपने सनातन धर्म में